हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कि हमने कल के लाइव क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से कहे थे कि ये करके जाइएगा डिक्टो, वही सारे क्वेश्चन आए हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन, नोट ए सिंगल क्वेश्चन हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से बाहर नहीं गया है। सभी क्वेश्चन वही से आए, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। और इस वीडियो में हम इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले, कंप्लीट जो है आंसर की देने वाले, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल पर, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, 21 फरवरी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले घटना की अगर हम बात करें तो पहले में लिखा गया कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की एक सूची का समावेश होना। तो मौलिक कर्तव्यों की एक सूची की जो समावेश हुई थी भारतीय संविधान में, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुई थी। दूसरा है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल कर उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई, तो ये थोड़ा उठाए गए थे 1928 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया, तो ये 1993 में, 12 अक्टूबर 1993। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में, सबसे पहले जो आएगा तीन आएगा, सबसे पहले तीन, उसके बाद आप देख सकते हैं तीन के बाद आने वाला आपका है एक, तीन के बाद एक, यानी डी इसका सही आंसर। क्या है? डी इज द राइट आंसर। तो पहले का आएगा डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू, नीचे दिए संविधान के प्रावधानों में से उस प्रावधान की पहचान कीजिए जो संविधान सभा में लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। तो वह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, भारत में राज्यसभा के सदस्यों को के चुनाव में किस चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। डिक्टो क्वेश्चन आया है। तो भारत में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में किस चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सी इसका सही आंसर है, तीसरे का। क्वेश्चन नंबर फोर, निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत का डैश हटा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो अधिकार, वह है राष्ट्रपति। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर फाइव है, संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। तो संघ और राज्यों के बीच विवादों का जो निपटारा करती है, यहाँ पर देख सकते हैं, ए बी किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकना, जनहित याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए, सबसे पहले किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकना, इसे कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो दूसरे बी का क्या आएगा, ए जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या है, न्यायिक सक्रियता है। तो चौथा है सी का, चौथा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या है, एक रिट है। और किसी कानून को संघ और राज्यों के बीच निपटारा क्या है, तो न्यायालय का मौलिक अधिकार क्षेत्र। तो इस तरह से ए का दो, तो ए का दो देखिए कहाँ पर है, तो ये तो पहले कट गए, तो ए का दो। उसके बाद बी का देखिए, बी का एक, तो ए का दो, बी का एक। तो इसका जो सही आंसर होगा सी। तो पाँचवें का सी सही आंसर, पाँचवें का कौन सा ऑप्शन आएगा, सी इज द राइट आंसर, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अभिभाज्य अंग है। बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेवन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। आधुनिक काल में कथन सबसे पहले किसने दिया था, तो आधुनिक काल में कथन सबसे पहले रूसो ने दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर नाइन, फ्रीडम फायर पुस्तक किसके, तो फ्रीडम फायर पुस्तक है आंग सान सू की। डिक्टो क्वेश्चन आया कल, मैंने आपको बताया था सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। इस चीज़ को लेकर एक लाइक तो बनता है, ये चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वीं क्लास में हम सब मिलकर पूरे पेपर को फोड़ देंगे और 99% गारंटीज में कह रहा हूँ आप सभी को, 100% गारंटी की 100 में से 100 नंबर ला के दिखाएंगे अगर हम सब एक साथ मिलकर चलते हैं क्लास 12 में, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कठोरी के अंधेरे में काट बिताया। बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, तो ये व्याख्या सही नहीं है, तो बी इसका सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, अब अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से किसे भारतीय धर्म निरपेक्षता का दार्शनिक माना जाता है। तो भारतीय धर्म निरपेक्षता का दार्शनिक माना जाता है, वो है नेहरू। किस देश में एक विशेष समुदाय द्वारा पहनी जाने वाली परंपरागत फैज टोपी को हेड कानून के जरिए प्रतिबंधित कर दिया, वह तुर्की। लाल रंग की टोपी होती थी, तुर्की इज द राइट आंसर। बी 12वीं का डी सही आंसर है। चलिए, अब यहाँ देख सकते हैं सरकारी आयोग क्या था, इसके उद्देश्य, इसके इस आयोग की रिपोर्ट में क्या सिफारिश थी। तो सरकारी आयोग अगर हम बात करें, इसका गठन
गठन किया गया था 1983 में। तो सरकारी आयोग गठन कब किया गया, तो 1983 में इस आयोग का गठन किया गया था, राइट। और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में पेश की थी, 1983 में इसके गठन किया गया, रिपोर्ट 1987 में पेश की। और इसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया, और इन्होंने केंद्र और राज्य संबंधों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, और राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया आएगा आएगा आया। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की किन्हीं दो उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत द्वारा जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है 15 क्वेश्चन है प्राकृतिक असमानता और सामाजिक समानता असमानता की तुलना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से आया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 19वीं सदी के यूरोप में एक सांस्कृतिक एक राज्य की मांग को संतुष्ट करने के किन्हीं दो परिणामों को सूचीबद्ध कीजिए। इन सभी जो बड़े क्वेश्चन, इन सभी को हम लाइव जो है सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारे साथ लाइव जुड़े रहिएगा। 9 बजे हमारे लाइव आने वाले हैं इसी चैप्टर को लेकर, तो प्लीज़ 9 बजे हमें हमारे चैनल पर लाइव रहिएगा। तो सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं, सभी A to Z क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने वाले विभिन्न पहलुओं की जांच कीजिए, 4 नंबर बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संविधान में जो प्रदान किए गए थे उन्हीं सभी को लिखना था आपको। न्यायपालिका के न्यायाधीशों नियुक्ति, उनकी योग्यता, उनका चयन, उनके जो है अगर हम बात करें उनकी सैलरी, सब कुछ आपको यहाँ पर लिख देना था। 4-5 पॉइंट आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना था। स्थानीय शासन किसे कहते हैं, स्थानीय शासन के दो लाभों की पहचान कीजिए। मैंने बिल्कुल कहा था कि आएगा अगर आया ही, तो सारा क्वेश्चन वही सा है जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में दिया था। इसके लिए लाइक तो बनता ही, चैनल पर जरूर है नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन पर प्रकाश डालिए, स्वयं संबंध और पर संबंध का मंत्र स्पष्ट कीजिए, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मंत्र स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया गया वो क्या है, ये आपका जो है गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो गद्यांश के बढ़कर आपको इसका उत्तर देना सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 भी गद्यांश वाला है। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं, ये क्या मैप है, तो मैप में जो क्वेश्चन पूछा वो हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैप में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मैप में पूछा कि वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित कर बना राज्य क्या था, उसका नाम था तेलंगाना, तो यहाँ पे तेलंगाना आपको लगाना था। कावेरी जल विवाद किस राज्य संबंधित है, तो कावेरी जो है तमिलनाडु केरल संबंधित है, वो लगाना था आपको। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन था, छत्तीसगढ़ था। वह राज्य जिसे जिसकी सरकार ने 1977 में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्वासित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया, वह है बंगाल, तो यहाँ पर आपको लगाना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मैप में आपको यहाँ पर लगाना था आपको तमिलनाडु, ये है तेलंगाना, ये है छत्तीसगढ़, ये है बंगाल, ठीक है। इसी प्रकार से आप मैप से यह है कार्टून क्वेश्चन, सेकंड बुक से कार्टून आया था। कार्टून में इस कार्टून में किस प्रकार की असमानता को दर्शाया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं असमानता संबंधी क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा जो है कार्टून सेकंड बुक से बिल्कुल उठा के दे दिया गया है। 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए, मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए, बिल्कुल डिक्टो यही क्वेश्चन पूछा गया है। संसद के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताइए, सामाजिक न्याय के किन्हीं 3 सिद्धांतों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, जॉन रॉल्स के न्यायिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हर एक क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आया, जो कहा था हमने वही आया है। इस चीज को लेकर आप हमें सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं लाइव सेशन में आज।